कोरोना का नया ओमिक्रॉन वेरिएंट पूरी दुनिया में कहर मचा रहा है। ओमिक्रॉन के तीन सब लिनीज या स्ट्रेन हैं, जिसमें BA1, BA2 और BA3 है। ब्रिटेन में अब तक BA1 स्ट्रेन का कहर था, लेकिन अब कहा जा रहा है कि ब्रिटेन में भी BA2 स्ट्रेन आ चुका है। BA2 स्ट्रेन ओमिक्रॉन का सबसे तेजी से फैलने वाला वेरिएंट है। ब्रिटिश अखबार डेली एक्सप्रेस के मुताबिक हाल ही में यूके हेल्थ सिक्योरिटी एजेंसी ने ब्रिटेन में ओमिक्रॉन के 53 सीक्वेंस की पहचान की है। UKHSA के मुताबिक ब्रिटेन में ओमिक्रॉन के BA2 स्ट्रेन के 53 मामले सामने आए हैं। हालांकि हेल्थ एजेंसी ने कहा है कि सबसे तेजी से फैलने वाला ओमिक्रॉन वेरिएंट के लक्षण कम गंभीर हैं। UKHSA ने कहा है कि हम इस बात को लेकर आश्वस्त हैं कि ओमिक्रॉन की गंभीरता वयस्कों पर कम है। UKHSA ने चेतावनी दी है कि BA2 स्ट्रेन के 53 सीक्वेंस हैं, जो काफी ज्यादा संक्रामक हैं, उसका कोई खास म्यूटेशन नहीं है, जिसके कारण इसे आसानी से डेल्टा वेरिएंट से अलग किया जा सकता है। इससे कुछ ही दिन पहले इजराइल में ओमिक्रॉन का ये स्ट्रेन मिला था। वहीं द टाइम्स ऑफ इजराइल के मुताबिक देश में इस तरह के 20 मामलों की पहचान हुई है। रिपोर्ट के मुताबिक अभी ये साबित नहीं हुआ है कि BA2 स्ट्रेन ओमिक्रॉन से ज्यादा खतरनाक है या नहीं। हालांकि ब्रिटेन में कहा जा रहा है कि ये स्ट्रेन ज्यादा संक्रामक और ज्यादा घातक भी है। कई देशों में ओमिक्रॉन का BA2 स्ट्रेन, रिपोर्ट के मुताबिक BA2 स्ट्रेन अब तक कई देशों में पहुंच चुका है। डेनमार्क, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, चीन, भारत और सिंगापुर में इसके वेरिएंट पहले ही पाए जा चुके हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक ओमिक्रॉन वेरिएंट के 3 स्ट्रेन या सब लिनीज हैं, BA1, BA2 और BA3। WHO के मुताबिक BA1 और BA3 के स्पाइक प्रोटीन में 69-70 डिलेशन हैं, जबकि BA2 में नहीं है। भारत में कोरोना वायरस के जीनोमिंग सीक्वेंसिंग पर ध्यान करने के लिए इंडियन सार्स कोविड-2 जीनोमिक कंसोर्टियम इसाकॉन्ग है। इसकी देश भर में 38 लेबोरेटरीज हैं। इसाकॉन्ग का कहना है कि ओमिक्रॉन वेरिएंट का भाई BA1 देश में तेजी से फैल रहा है और इसने महाराष्ट्र में डेल्टा की जगह ले ली है। कोरोना वायरस और कोरोना वैक्सीन से जुड़ी हर अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।